तो दोस्तों काफ़ी बर्तन हमारे फार्म में टूट फूट चुके हैं, आप देख रहे हैं, पानी के ड्रिंकर हैं। और ऐसे एक बर्तन जैसे ये रहा, हर खाने में एक एक दो दो बर्तन टूटे हुए हैं। तो आज हम जा रहे हैं बर्तन लेने और आपको दिखाएंगे कौन कौन से बर्तन हैं और हम कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। तो वीडियो पर बने रहे, वीडियो करते हैं शुरू। तो भाई हम आ चुके हैं पटौदी, और ये वही पटौदी है जहाँ के सैफ अली खान के पिताजी नवाब पटौदिया हुआ करते हैं, और यहाँ पे उनकी बहुत बड़ी कोठी भी है, और साथ ही यहाँ पे सैफ अली खान जो एक्टर हैं उनके बचपन यहीं पे गुजरा है, और आते हैं अब भी वो, कई बार आते हैं करीना कपूर के साथ। तो अब हम जा रहे हैं शिवम भाई की दुकान पर, और वहाँ जाके बर्तन देखेंगे पानी के और फीडर के, और साथ में कुछ दवाइयाँ भी हमें लानी है। तो भाई हम आ चुके हैं शिवम एंटरप्राइजेज पर, और हम अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है इनके पास। तो बने रहे वीडियो पर। जय श्री राम भाई जी। पर अब हम यहाँ देखेंगे चिक्स के ड्रिंकर देखेंगे, और साथ में कुछ दवाइयाँ हमें लेनी है तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ये भाई का स्टाफ है और ये दवाइयाँ हैं, और बाकी चीज़ें जो हैं वो गोदाम के अंदर हैं वो भी हम देखते हैं तो आपको दिखाएंगे। ये शिवम इंटरप्राइजेज पर हम पहुँच गए हैं, और यहाँ पे आप पानी के और दाने के दोनों चीज़ देख सकते हैं, फीडर और ड्रिंकर। तो हम पूछते हैं सबसे पहले छोटे बर्तन के रेट, तो चंदू भाई इनके क्या रेट हैं, आप इनका रेट बता दें एक बार। ये 60 रुपये, और ये छोटा जो ये चिक फीडर है इसका भी 60 रुपये, सेम रेट होता है। तो चिक फीडर भी आपको दिखा देते हैं, ये भी 60 रुपये का है, और आप जो ये ड्रिंकर देख रहे हैं ये पूरे स्टैंड के साथ 60 रुपये का है। इसके साथ आप ये बड़ा ड्रिंकर देख रहे हैं जो कि ज़्यादा करके लेयर में यूज होता है, और लगभग चंदू भैया इसमें कितना पानी आ जाता है? इसमें 8 लीटर, इसमें आ जाता है 8 लीटर, और इसका रेट और बता दें। 110 रुपये, ये 110 रुपये है, ये भी स्टैंड के साथ है, और लगभग 8 लीटर पानी इसमें आ जाता है। अब बात करते हैं चिप्स के फीडर की, तो भैया इसके रेट और बताएं। 130 रुपये, ये 130 रुपये है। तो चंदू भाई एक चीज और बताइए, क्या ये फिक्स रेट है या इनमें कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं? नहीं, रेट फिक्स है प्लास्टिक के, अभी जो पहले थोड़ा ठीक था, अभी प्लास्टिक दाना बढ़ने की वजह से रेट है ना इनके, तो इंक्रीज हो गए काफी। पहले किस किस पहले रेट में 110-115 रुपये के बिक रहे थे, अभी जब से प्लास्टिक दाना ये बढ़े है ना थोड़ा, उसके बाद फिर 10 से 15 रुपये 20 रुपये बढ़ गए। तो ये भाई बता रहे हैं कि पहले जो ये फीडर थे ये 110 से 115 रुपये थे, लेकिन अभी कुछ प्लास्टिक बढ़ने से ये महंगे हो गए, और काफ़ी आप देख पा रहे हैं ओलमैन के हैं, इस पर ब्रांडिंग आपके यहाँ पे दिख रही है, और काफ़ी मजबूत फीडर है और अच्छा फीडर है, आप ले सकते हैं। साथ में ओलमैन के ही छोटे ड्रिंकर है जो आपने देखे थे 3 लीटर वाले, और ये जो हमारे ऑटोमेटिक है ये भी ओलमैन की ऑटोमेटिक, हम इसकी यूज भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे ऑटोमेटिक बनते हैं इनके, और काफ़ी लंबे समय चल जाते हैं, लगभग 4-5 साल आराम से चल जाते हैं, और उसके बाद भी अगर लेबर वगैरह लीटर रैकिंग के समय ही इसको भलाई तोड़ दे वरना ये टूटते भी नहीं है। और हम ये वाले कभी यूज हमने किए नहीं है क्योंकि छोटे फिल्टर की जगह हम इन्हीं की ये बाल्टी हटा देते हैं और इस तरह से इसी को यूज कर लेते हैं, तो हमने कभी इस फीडर को यूज किया नहीं है, बाकी बहुत से फार्मर भाई इसको भी यूज करते हैं, तो ये भी आपको 60 रुपये में यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको भाई के यहाँ पे वैक्सीनेशन भी पूरी मिल जाती है, चाहे लेयर की हो चाहे पेरेंट की हो, और उनकी किल्ड वैक्सीनेशन भी यहाँ पे मिल जाती है, और ब्रॉयलर की वैक्सीनेशन फ्रीजर के अंदर है, ये आप दो फ्रीज देख रहे हैं, और इसके अलावा गोदाम के अंदर भी हैं, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे सारी वैक्सीनेशन और लगभग सारी ही मेडिसिन आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही साथ चंदू भाई कोव के चिक्स भी रखते हैं, और इनके पास अपना लेयर का भी काम है, तो हम पूछ लेते हैं लगभग सप्ते के कितने चिक्स इनके निकलते हैं? चिक्स हमारे पास मंथली 1.5 लाख की कैपेसिटी है चिक्स की। तो इनके पास मंथली 1.5 लाख की चिक्स कैपेसिटी है, और आपको इनके नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और साथ में लोकेशन भी दे देंगे, अगर आपको कोब के अच्छे चिक्स चाहिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, और ये आपको कोब के चिक्स भी प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही देखो हमने फिलहाल में ली है एस्थीगोन, और हमने यहाँ पे ली है मिंटोफिन, ये हमने इसलिए ली है क्योंकि ये हमारे आपने भाई साहब देखे भी होंगे जो एक पिछली वीडियो में आपके सामने आए थे दिनेश जी, इनके फार्म में थोड़ी सीआरडी की सी प्रॉब्लम आ रखी है, रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो आ रखा है, तो उसके लिए हम इनके लिए एस्थिगोन
कप सिरप और ये स्प्रे में भी यूज करेंगे। ये आप यूज कर रहे हो ना, ये जो गले की जो समस्या होती है, जी ह्यूमन बॉडी में हुई, जी मतलब आप लेयर में हुई, जी ब्रीडर में हुई, तो ये ट्रिकिया में सबसे ज्यादा समस्या होती है। गले की समस्या की वजह से जो आवाज बनती है बर्ड में, वो गले के अंदर जब वो अंदर कप टाइप बन जाता है तो उसकी वजह से ये होता है। और जो कप सिरप है उसका काम यही होता है, जैसे हुमन में भी हम का अस्थिगोन यूज करते हैं, ऐसा नहीं, हुमन में भी है अस्थिगोन और पोल्ट्री में भी है, दोनों चीजों में ये काम कर रहे हैं। मतलब उनका अलग डिवीजन है, इसका डिवीजन अलग है, प्रोडक्ट वही है अस्थिगोन के नाम से। हुमन में जैसे कहते हैं ना अस्थमा की बीमारी, वो अस्थमा टाइप भी बर्ड में चली जाती है उसमें, जैसे हमें सांस में रुकावट होती है, लंबे लंबे सांस लेते हैं, वही सेम अपने ब्रॉयलर में दिक्कत आती है वही। तो हम आपको एक बार मिंटोफिन भी दिखा देते हैं, इसकी MRP काफ़ी है, लेकिन आप यहाँ पे जब भाई के पास आएंगे तो काफ़ी अच्छे रेट आपको मिल जाते हैं, चाहे कोई भी दवा ले आपको रेट भी इनके काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, और आप यहाँ पे आ सकते हैं और काफ़ी दवाई आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। तो भाई ये हमारा सामान गाड़ी में आ चुका है, ये 50 पानी के ड्रिंकर हमने लिए थे और आपने देखा था 2 एस्थिगोन और 1 मिंटोफिन हमने लिया। अब हम चलते हैं फार्म पे, वहाँ आपको खोल के दिखाएंगे कि किस टाइप के बर्तन हैं और कितना सामान या क्या क्या फिटिंग इनके साथ आती है। तो दोस्तों हमारा ये सामान हम आ चुके हैं फार्म पर और आप देख पा रहे इसमें पाइप है, ये वाटर लेवल के लिए बॉक्स है जिनमें पानी भरा जाएगा वाटर लेवल के लिए, और ये पूरा सेटअप लाए हम, ये रस्सियाँ हैं आप देख रहे हैं, और ये बर्तन है, ये हमारे टोटल 50 बर्तन आए हैं, तो आप ये देख रहे हैं और ये हम बर्तन बना के आपको दिखा रहे हैं। तो जो ये वाटर लेवल है पहले इस छड़ी पर लग जाएगा ऐसे, और इसमें भर दिया जाएगा पानी जिससे कि बर्तन का वेट एकदम ठीक रहे और बर्तन बच्चे से टकरा कर पानी ना फैलाए और उसमें थोड़ा वजन भी रहे और बैलेंस भी उसका सही रहे। और ये देखो आप बर्तन के जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला ये लगाएगा और इसको आप ऐसे लगाएंगे यहाँ पे, तो अब हम ये हिस्सा आपको इसमें डाल करके दिखाएंगे। तो फिर डालो इसमें और बर्तन को कंप्लीट करके दिखाओ दर्शकों को। तो ये बर्तन ऐसे यहाँ पे रस्सी में टंग जाएगा और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं इसका ऊपर का हिस्सा, ये जो वाल है ये पानी को कम ज़्यादा करने के लिए है, इसको आप जितना कसेंगे उतना पानी बर्तन में यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा और जिसका इसका लूज करेंगे उतना ही इसमें कट ऑफ हो जाएगा। तो ये रस्सियाँ वगैरह कंप्लीट बर्तन आए हैं, ये जो है ये पानी की जो ऊपर लगता है फिटिंग के अंदर पाइप में वो हिस्सा है, ये भी इसके साथ आया है, और ये कंप्लीट वायर पाइप भी हैं देख रहे हैं आप, और ये कंप्लीट सेटअप है। ये 50 बर्तन हम लाए थे और हमें लगभग 210 रुपये के हिसाब से बर्तन पड़ा है, बाकी हमारा आने जाने का जो किराया भाड़ा लगा है या कहीं तेल लगा है वो अलग है, बाकी जो हमने वहाँ से ख़रीदारी हमारी वो 210 रुपये में एक बर्तन की ख़रीदारी है। तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहें हैप्पी पोल्ट्री फार्म चैनल पर। धन्यवाद, जय हिंद।